नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मयंक शेखर शर्मा है। मैं पल्स अस्पताल में गैस्ट्रो सर्जन, MCH सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड GI कैंसर सर्जन। आज मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करना चाहता हूँ मिस्टर राजन मौली का। मिस्टर राजन मौली धनबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं और लगभग 3 महीना पहले इनको पेट में चोट लगी थी, जिसकी वजह से इनके पेट के अंदर आंतों के बीच में खून जमा हो गया था। लंबे समय से इनको पेट दर्द की शिकायत रहती थी और दर्द बहुत तेज होता था, जिसकी वजह से इनको कई बार अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। अपने स्थानीय चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सा लेने के बावजूद भी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई एंड अल्टीमेटली ये पल्स हॉस्पिटल में आए। जिस दिन ये आए थे, मुझे आज भी याद है वो दिन, ये काफ़ी गंभीर परिस्थिति में आए थे। इनका BP, ब्लड प्रेशर नहीं था, इनके पल्स रेट नहीं थे, बिल्कुल शॉक स्टेट में आए थे एंड इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें पता चला कि इनकी अंतड़ियों में गंभीर समस्या है और इसके लिए इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन हालात में ऑपरेशन करना भी बड़ा नाजुक था, फिर भी हमने चांस लिया, हमने ऑपरेट किया, उनकी अंतड़ियों को काट के जोड़ा गया एंड उसके ऊपर एक बाईपास किया गया। धीरे धीरे इनकी परिस्थिति सुधरने लगी और सेकेंड ऑपरेशन के बाद उस बाईपास को बंद कर दिया गया और आज की डेट पे ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, अत्यंत खुश हैं। मैं ईश्वर से आशा करता हूँ कि हमेशा ये निरोग्य रहें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद। मेरा नाम राजन कुमार मल्ली हुआ, हम धनबाद जिला के बागमारा प्रखंड के डुमरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। मेरा एक्सीडेंट हुआ था जुलाई में और मेरा आँख में बहुत अंदरूनी चोट लगी थी और उस दरमियान हम अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए कतरास गए, वहाँ भी मेरा ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाया, मेरे समस्या और बढ़ने लगी। फिर हम चंद्रपुरा गए, वहाँ ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो पाया। उसके बाद हम बोकारो तक चले गए अपनी परेशानी को लेकर, समय बीता लेकिन वहाँ भी मेरा ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाया। मेरी जब स्थिति और परेशानी हो गई और गंभीर हो गई और कंडीशन ख़राब हो गया, तब जाकर किसी ने सलाह दिया कि मुझे रांची जाकर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। रांची पल्स हॉस्पिटल आने के बाद ही डॉक्टर मयंक शेखर शर्मा ने मेरा सर्जरी किया और बहुत गंभीर कंडीशन था मेरा, तो यहाँ पर आके मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ, सुधार हुआ मेरे स्वास्थ्य पर और हम ठीक हो पाए, वरना मेरी कंडीशन इतनी बुरी थी कि शायद हम बच नहीं पाते। और हम अपने मेरी जान बचाने वाले डॉक्टर को भी बहुत बहुत थैंक्स बोलते हैं। थैंक्स डॉक्टर। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट हेल्थ केयर अपडेट्स।